मैं मनोज कुमार साहू आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा 1 तारीख यानी 1 जून 2021 से सेमेस्टर परीक्षा और 15 जून 2021 से मुख्य वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। यह वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन या जिसे ब्लेंडेड मोड भी कहा जाता है, इसके द्वारा सम्पन्न होगी। तो इस कारण से कुछ छात्रों के बीच में कुछ प्रश्न थे जिन्हें मैंने इस वीडियो में हल करने का प्रयास किया है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं रविशंकर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्या प्रश्न हैं छात्रों के द्वारा। तो टाइम टेबल कहाँ से प्राप्त करें, प्रवेश पत्र कैसे प्राप्त करें, उत्तर पुस्तिका कैसे प्राप्त करें या बनाएं, प्रश्न पत्र को जमा कैसे करना है, प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त करना है और क्या क्या सावधानियाँ रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में। सबसे पहले है हमारे पास टाइम टेबल कहाँ से प्राप्त करें। तो टाइम टेबल जो है रविशंकर यूनिवर्सिटी की जो अधिकृत वेबसाइट है वहाँ से आप सभी को प्राप्त कर लेना है। ये वेबसाइट है www.prsu.ac.in। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी इसको क्लिक करके जा सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे, इस वेबसाइट को अपने URL में टाइप करेंगे तो आपको वहां पर जाना है एग्जामिनेशन टैब के अंदर में। इसके अंदर में आपको एक सब मेनू मिलेगा एग्ज़ाम, इसके अंदर में फिर से एक सब मेनू रहेगा टाइम टेबल। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जैसे PGDCA, DCA, MCOM है, MA है, तो वो लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे। और जो एनुअल एग्ज़ाम वाले हैं जैसे BA, BCOM, BSc या MA के प्राइवेट और MCOM के प्राइवेट स्टूडेंट है, वो लोग एनुअल को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये आपको कर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने वेब ब्राउज़र को क्लिक करना है। तो जैसे मेरे पास ये मेरा वेब ब्राउज़र है, अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ prsu.ac.in। तो ये रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आपको जाना है एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा टाइम टेबल, एनुअल पैटर्न वाले एनुअल को सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर वाले सेमेस्टर को। तो सपोज़ हम लोग अभी एनुअल एग्ज़ाम को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा टाइम टेबल फॉर एनुअल एग्ज़ाम 2021। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर का बटन है या आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना है, आपका टाइम टेबल ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आप लोगों को बीच बीच में और चेक करते रहना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से कुछ टाइम टेबल जो है वो थोड़े से अपडेट भी हुए हैं। एक दो विषय है जैसे BCOM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो उसमें थोड़े से चेंजेस भी हुआ है। तो आप लोगों को समय समय पर इस वेबसाइट को देखते रहना है। तो यहाँ से आप लोग अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, ये एनुअल के लिए है, वैसे ही सेमेस्टर के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रवेश पत्र कैसे प्राप्त करें। प्रवेश पत्र या जो हमारा एडमिट कार्ड है, ये हमको जिस वेबसाइट से हम लोगों ने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का, उस वेबसाइट से मिलेगा। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.prsuuniv.in। यहाँ पर आपको जैसे ही आप ये URL क्लिक करेंगे, आपको सामने आएगा ऑप्शन एग्जामिनेशन लॉगिन। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरने के समय बनाया था उसको आप डालेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो सेमेस्टर वाले हैं वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे और एनुअल एग्जामिनेशन वाले एनुअल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट कर लेना है। मैं आप सभी को ये करके दिखाता हूँ। इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.prsuuniv.in। तो इसको मैंने इंटर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है एग्जामिनेशन लॉगिन, एग्जामिनेशन लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, इसमें आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट कर लेना। जैसे मैं एक डमी डेटा डाल देता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट का है,
तो मैंने ये डाला, तो देखिए यहाँ पे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले हैं, तो सेमेस्टर एडमिशन कार्ड आएगा, जो एनुअल वाले होंगे बीए बीकॉम बीएससी, वो उनके लिए आपको एनुअल एडमिशन कार्ड मिलेगा, एनुअल एग्जामिनेशन एडमिशन कार्ड। इसके बाद यहाँ से आप उसमें क्लिक करेंगे, फिर आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, सपोज़ ये स्टूडेंट जो है वो डीसीए के हैं फर्स्ट सेमेस्टर, रेगुलर या एक्स या एटिकेट जो भी हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद अब आपको क्या करना है आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका कैसे प्राप्त करना है, या आंसर शीट कैसे आपको सेंटर से मिलेगा या फिर आप बनाएंगे। तो विश्वविद्यालय ने दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको एग्ज़ाम सेंटर या कॉलेज से भी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको खुद से घर पे भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टेशनरी सामान नहीं है तो आप साइबर कैफ़े या स्टेशनरी के शॉप से भी ये परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर से लेना चाहते हैं आंसर शीट, तो उसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके आपके लिए जो निर्धारित एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ जाना है, और अपना प्रवेश पत्र दिखाकर जितने प्रश्न पत्र आपके रहेंगे उतने उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। दूसरा है जो घर से आप बनाना चाहते हैं, तो कोई भी A4 साइज़ का ब्लैंक पेपर ले लीजिए, या फिर आप कॉपी जो बड़ी साइज़ की कॉपी आती है उसके पेज निकाल लीजिए। टोटल 32 पेज का आपका आंसर शीट होना चाहिए, ना 32 पेज से कम हो या फिर 32 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइबर कैफे वगैरह में भी जैसे रायपुर या बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको ये सब फैसिलिटी मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर रायपुर के बाहर हैं या फिर आपका सेंटर दूर है तो आप साइबर कैफे या स्टेशनरी से भी ये आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप घर से बनाना चाहते हैं, तो घर से बनाने के लिए आपको एक कवर पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो विश्वविद्यालय ने प्रदान किया हुआ है। ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का एक कवर पेज आपको मिलेगा, यहाँ पर ये एक पेज का सिंगल कवर पेज है, इसको आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उतने प्रिंट निकाल लीजिए या फोटो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको आपको स्टेपल कर देना है सामने, ठीक। तो आपके पास में उत्तर पुस्तिकाएं बन जाएंगी, आप उसको घर से भी बना सकते हैं या फिर अपने केंद्र से भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि प्रश्न पत्र हमें कैसे मिलेगा। तो प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय ने आप लोगों के लिए 2 या 3 यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की है। पहली सुविधा है आपका जो परीक्षा केंद्र होगा या जो कॉलेज होगा वो उसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र निर्धारित जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आपको प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे, या फिर आपको ईमेल के द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपको किसी कारण से व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप के द्वारा पेपर नहीं मिल पा रहा है या नेट की कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल में, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी उपलब्ध रहते हैं रोज के रोज, तो www.prsuunib.in, यानी कि जिस वेबसाइट में हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एडमिट कार्ड निकाला है उसी वेबसाइट से प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, इसके लिए आप लोगों को अपने वेब ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर prsuunib.in, तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्ज़ाम 2021 का लिंक बना हुआ है, बटन बना हुआ है रेड कलर का। अभी इसमें सेमेस्टर के यूजी और पीजी आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे चल के आपको एनुअल एग्ज़ाम के यूजी और पीजी के भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको जो भी आपके लिए निर्धारित होगा वो क्लिक करने हैं, और आपको यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो जो आपका विषय है उसका क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप से नहीं मिलता है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर आप जो आपका परीक्षा केंद्र है उसकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। अब क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, उत्तर पुस्तिका आपको मिल गया या फिर आपने बना लिया है, तो जिस दिन पे आपका प्रश्न पत्र आया उस दिन आपको उत्तर पुस्तिका लिख लेना है, ठीक। निर्धारित स्थान पर आपको जो भी एंट्रीज है वो सब कर लेना है। क्या क्या एंट्रीज है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप केंद्र से उत्तर पुस्तिका लेते हैं, परीक्षा केंद्र से, तो आपको एक गुलाबी रंग के OMR शीट के साथ आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, तो उसमें आप निर्धारित स्थान पर जो जो एंट्री है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर पे बनाया है तो उसके लिए जो ये फॉर्मेट है विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया, इसमें आप लोगों को कक्षा का नाम, मतलब जो क्लास आपका है, BA, BCom, BSc, BCA, PGDCA जो भी है वो आपको यहाँ लिख लेना है, साथ में उसका वर्ष भी लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का है तो लिखना है PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर, BCA फर्स्ट ईयर का है तो BCA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर का है तो BCom फर्स्ट ईयर। आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है, 10 अंकों का आपका रोल नंबर रहेगा, तो यहाँ पर आपको उसको अंकों में लिखना है और उसके नीचे आपको शब्दों में लिख लेना है। जो नियमित छात्र हैं उनको नामांकन क्रमांक या एनरोलमेंट नंबर जो मिला हुआ है वो आपको इनबॉक्स में लिख लेना है, ठीक। उसी तरीके से जो प्राइवेट के स्टूडेंट होंगे उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो उनको इस बॉक्स में लिख लेना है। फिर जो आपका विषय है वो विषय लिखना है, प्रश्न पत्र का नाम वो लिख लेना है। जैसे आपका विषय है मान लेते हैं इतिहास, तो यहाँ पर इतिहास लिखना है, प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय जो भी है वो आप लिखेंगे, और हर एक प्रश्न पत्र में एक कोड होता है वो कोड आपको यहीं लिख लेना है। फिर परीक्षा का दिनांक, तो जिस दिनांक पे आपका वो परीक्षा है वो आपको यहाँ लिखना है, उसका दिन लिख लेना है। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। संलग्न पृष्ठों की संख्या, तो ये सभी के लिए 32 रहेगा, 32 निर्धारित है, 32 से कम नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपको अपने हस्ताक्षर कर लेना है और बाकी जो एंट्रीज है वो आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देना है। ये जो एंट्रीज है ये मूल्यांकनकर्ता के लिए यानी जांचने वाले लोगों के लिए, तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको केवल यहाँ तक एंट्री करनी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे निर्देश हैं, ये निर्देश आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने उत्तर पुस्तिका के सभी पेज में आपको हस्ताक्षर करने हैं, शॉर्ट सिग्नेचर कर सकते हैं और लास्ट में फुल सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं, उत्तर पुस्तिका भी अब आपने लिख लिया तो आपका जो अंतिम दिन रहेगा परीक्षा का, जिस दिन आपका लास्ट पेपर ख़त्म होगा, उसके 5 दिन के अंदर आप लोगों को कॉलेज में जमा करना है या आपके परीक्षा केंद्र में जमा करना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा केंद्र में जो भी ड्रॉप बॉक्स रहेगा उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जो परीक्षा केंद्र का एड्रेस है वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोरियर वगैरह नहीं करना है, आप स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा केंद्र के ड्रॉप बॉक्स में डालिए, या फिर उसको जो डाक विभाग होता है सरकारी वहाँ के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब स्पीड पोस्ट करने के टाइम या फिर जब आप ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे तो इसके लिए आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ एक बड़े लिफाफे के अंदर रखनी है। तो अच्छे क्वालिटी का आप एक लिफाफा ले लीजिए बड़ा, और सभी आंसर शीट को एक साथ एक लिफाफे में डालना है, और उस लिफाफे के ऊपर में कुछ जानकारियाँ हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इसको प्रिंट कराकर भी लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। ये लिफाफा मैं या फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार का हमारे पास एक फॉर्मेट है, आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं या इसी को आप प्रिंट करा लीजिए, ठीक, और इसको अपने लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं। तो इस लिफाफे के ऊपर में जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो है आपका रोल नंबर, नाम, परीक्षा का नाम, जिस वर्ष या सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखना है, कुल उत्तर पुस्तिका कितना है इस लिफाफे के अंदर वो आपको भर लेना है, जिस केंद्र में आपको सेंटर मिला हुआ है उसका पूरा नाम और पता यहाँ लिख लेना है, और आपका नाम और पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ में इस फॉर्मेट में लिख लेना है, और इसकी एक और कॉपी आप रख लीजिए अपने साथ में भरकर, ताकि आप इसमें पावती ले सकें। परीक्षा केंद्रों में पावती भी दिया जा रहा है कुछ केंद्रों में, तो आप वहाँ से पावती भी ले सकते हैं। तो इसको आप उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ये फॉर्मेट आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं,
आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो परीक्षा दिलाते समय कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ सावधानियों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले है प्रवेश पत्र या प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं में उल्लेखित निर्देशों का अवलोकन करें। जो आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा और क्वेश्चन पेपर आएगा और उत्तर पुस्तिका, सभी में कुछ ना कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, उनको एक बार जरूर आप पढ़ लीजिए। बहुत सारी काम की जानकारियाँ उसमें होती है। विश्वविद्यालय से टाइम टेबल आप निकाल लीजिए और जो जो विषय आपके हैं उनका कौन से दिनांक पे है ये आप अवश्य मिला लें। जो आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र मिलेगा परीक्षा के दिन, उसको अपने प्रवेश पत्र के साथ में उसके कोड को जरूर मिलाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीए में फाइनल ईयर में फिलोसॉफी और इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों में ऑप्शनल होते हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके कोड आपको अलग अलग मिलते हैं, तो वो आपको मिला लेना है कि आपने जो सेलेक्ट किया है आप उसी का आंसर लिख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर, कक्षा, विषय, केंद्र क्रमांक और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो सभी आपको लिखना है, और परीक्षार्थी के लिए निर्धारित स्थान पर ही सिग्नेचर करना है या हस्ताक्षर करना है। फिर उत्तर पुस्तिका के लिए निर्धारित दिनांक व समय में ही स्वयं के द्वारा लिखा जाए, तो जिस डेट पे पेपर हो रहा है उसके लिए जो टाइम निर्धारित है उसी टाइम पे आप उसको लिखिए और स्वयं के द्वारा ही लिखा जाए, नहीं तो ये नकल माना जाएगा। आपको हमेशा उत्तर जो है सही और सटीक लिखना है, अनावश्यक पेज भरने का प्रयास ना करें। जहां पर जरूरत हो वहां पर डायग्राम या चित्र बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो नंबर है वो अच्छे मिलते हैं। उत्तर पुस्तिका को साफ सुथरा रखें, उसे गंदा नहीं करना है, उसे मोड़ना नहीं है। उत्तर पुस्तिका जमा करते समय आवश्यक जानकारियां अवश्य लिखें, जिसके लिए फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही दे दिया है। उत्तर पुस्तिका को जिस बड़े लिफाफे में डालेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए अंतिम तिथि से पहले ही उत्तर पुस्तिका जमा कर भीड़ से बचने का प्रयास करें। तो जिस दिन पेपर आपका खत्म होगा, लास्ट पेपर, उसके 5 दिन के अंदर आपको उत्तर पुस्तिका जमा कर देना है। तो आप कोशिश कीजिए जैसे ही परीक्षा खत्म होता है उसके अगले दिन ही इसको जमा कर दें, ताकि भीड़ से आप बच सकें। अगर आप परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं, हो सकता है आप आंसर शीट लेने जाएं या क्वेश्चन पेपर लेने जाएं, तो वहां पर सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोरोना रोकथाम संबंधित कुछ निर्देश हैं या SOP जिसे कहा जाता है, वो सबका आप अवश्य पालन करें। ठीक, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।